हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका विशाल चौधरी फिटनेस चैनल में। मैं हूँ आपका भाई विशाल चौधरी। आज मैं बताऊंगा आपको बाइसेप्स की ऐसी चार एक्सरसाइज जो आपकी पीक यानी कि इसे ग्रो करेगी। ठीक है, देखो बाइसेप्स की पीक की एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बात हमें बाइसेप्स के बारे में समझनी होगी। ठीक है, बाइसेप हमारा कब ग्रो करता है। बाइसेप बहुत छोटी मसल है हमारी जो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक शॉर्ट हेड है एक लॉन्ग हेड है। ठीक है, एक ये वाला लॉन्ग हेड होता है बाहर वाला और अंदर वाला शॉर्ट हेड होता है। ठीक है, इसे ग्रो करने में आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आप हैवी वेट के साथ कम रेपिटेशन लगाओ, पूरा एक अपना रूटीन बना के बाइसेप्स का। ठीक है, मैं आज आपको सिर्फ कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप अपने रूटीन में ऐड कर इस पीक को, ये वाली पीक है ना, बोल होती है बोल गोला, इसे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहली एक्सरसाइज हमारी होगी प्रेशर कर्ल। ठीक है, प्रेशर कर्ल की हम लेंगे 3 सेट 12 से 10 रेपिटेशन। आओ चलो, पहली एक्सरसाइज होगी हमारी प्रेशर कर्ल। ठीक है, आप इसे रोड से भी ले सकते हैं और मशीन से भी ले सकते हैं। ये एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइज है, जो आप कंसंट्रेशन डंबल से लगाते हो वो आप मशीन से भी लगा सकते हो। इसका टारगेट ही यही है कि आपकी पीक को टारगेट करें। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारी पीक की ग्रोथ के लिए। आप सिंगल आर्म भी इसे कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रेशर आएगा। मेरे हिसाब से आप 3 सेट लगाओ 12-12 के, तो बहुत ही अच्छा प्रेशर आएगा। 10 से 12 रेपिटेशन 3 सेट अपने वर्कआउट शेड्यूल में दोनों हाथों से लगानी है बारी बारी। ठीक है, पोजीशन देख के करनी है बिल्कुल आराम से। ठीक है, आपकी पीक पे ही प्रेशर आना चाहिए पूरा पूरा। बहुत जल्दी ग्रो करेगी अगर ये एक्सरसाइज आप ठीक से करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी कंसंट्रेशन कर्ल, डंबल कंसंट्रेशन कर्ल। डंबल को बिल्कुल ऐसे ही, ज़्यादा नीचे डंबल नहीं खोलना। देखो मैं एक चीज़ में बताता हूँ आपको, डंबल ज़्यादा नीचे खोल के मसल रिलैक्स हो जाती है। डंबल पूरा नीचे तक नहीं ले जाना, चेस्ट बार रहेगी। पोजीशन को बिल्कुल देख के करना है, दोनों हाथों से लेंगे बारी बारी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको इसके कम से कम 3 सेट लगाने चाहिए अपने वर्कआउट शेड्यूल में। बाकी जो आपका शेड्यूल चल रहा है उसके हिसाब से भी आप इसे रख सकते हो, अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर सकते हो 3 सेट 12-12 के। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी बारबल कर्ल, लेकिन ये पोजीशन अलग होगी। आप मेरे हाथों को देखो, आप मेरी पीक को देखो, कितनी टारगेट हो रही है, कैसे इस पे प्रेशर आ रहा है, ध्यान से देखो। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रेशर आएगा, आपकी पीक की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। वेट अपने हिसाब से लेना है, वेट के लिए मैं नहीं बताऊंगा, सबकी पावर अलग अलग होती है। ठीक है, वेट अपने हिसाब से लेंगे हम सब। 3 सेट लगाएंगे बिल्कुल बढ़िया वाले, 12 से 15 रेपिटेशन रहेगी। अपने वर्कआउट शेड्यूल में इसे भी ऐड करके देखो, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी हैमर कर्ल्स। ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, इसे तो हम अपने बाइसेप्स की वर्कआउट में ज़रूर ऐड करते ही हैं। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि ये आपके लॉन्ग हेड को यानी कि बाहर की तरफ के बाइसेप को ज़्यादा हिट करता है। ठीक है, मेरे हिसाब से 3 सेट लगाएंगे इसके 12 से 15 रेपिटेशन, अच्छे से आराम से लगाएंगे। दोनों हाथों से भी ले सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से लेना है वेट। ठीक है, अपने वर्कआउट शेड्यूल में सिर्फ ये एक्सरसाइज ऐड होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका पूरा वर्कआउट शेड्यूल है, ये सिर्फ आपकी वर्कआउट शेड्यूल में ऐड होंगी, जिससे आपका बाइसेप्स भी ग्रो करेगा। लास्ट सेट होगा हमारा सुपर 21। मेरे हाथों को ध्यान से देखो, नीचे से हाफ 10 सेकंड होल्ड रहेगा। मैंने इसमें थोड़ा जल्दी किया है आपको दिखाने के लिए, सिर्फ नीचे से हाफ 7 रैप होंगे 10 सेकंड होल्ड के, ऊपर आके 10 सेकंड होल्ड, 7 रैप लगाने हैं। ठीक है, 10 सेकंड होल्ड रहेगा, ऊपर आके 10 सेकंड होल्ड, फिर ऊपर से आधे में आना है। ठीक है, 10 सेकंड का नीचे होल्ड रहेगा बीच में। मैं आपको सिर्फ डेमो देने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये, आपकी फिनिशर एक्सरसाइज होगी आपके पूरे बाइसेप के वर्कआउट के बाद। ठीक है, 7 रैप होल्ड ऊपर से, 10 सेकंड होल्ड करना है बीच में, फिर सेट लगाना है। ठीक है, और फिर लास्ट जो हम लगाएंगे इसका सुपर 21 का, वो होगा पूरा अपनी कमर दीवार से लगा लेंगे, ताकि आपका प्रेशर और भी अच्छा आए। 10 सेकंड होल्ड रखना है, सुपर 21 सेट है, 3 सेट लगाने हैं। तो ये वर्कआउट जो मैंने आपको ये 5 एक्सरसाइज बताई हैं, इन्हें अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करना, सिर्फ 2 या 3 एक्सरसाइज को, सारी की सारी। ये वर्कआउट शेड्यूल नहीं है, ये सिर्फ आपकी बाइसेप की पीक ग्रो करने के लिए है ये वाली। ठीक है, ये वाली पीक ग्रो करने के लिए है आपकी बाइसेप्स की। ठीक है, जो ये बोल बनती है ना बाइसेप्स में, उसकी ग्रोथ के लिए है, ताकि इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़े। 2 से 3 सेट लगाने हैं, और जी जैसे जैसे मैंने इसमें रेपिटेशन बताए हैं ऐसे ही लगाने हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना अपने भाई के चैनल को।